मामला पूरी तरह सेट है, माहौल बन चुका है, तुम्हें बस जाके मौके पे चौका मारना है। बट देन तुम्हारे अपने ही थॉट्स तुम्हारे अंदर गिल्ली डंडा खेल रहे हैं एंड इवेंचुअली यू जस्ट रुइन द मोमेंट। हेलो, है ना? ओवरथिंकिंग उर्फ ज्यादा सोचना, ये एक ऐसी आदत है जिससे हम फालतू के चीजों के बारे में सोच सोच के सिचुएशन को बद से बदतर बना देते हैं, जबकि रियलिटी में उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। मैं खुद इस बुरी आदत का बहुत बड़ा विक्टिम रह चुका हूँ। चाहे मैं कुछ खरीद रहा हूँ, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स में, आई एम कम्प्लीटली क्लूलेस। ये वाला दिखने में अच्छा है, नहीं लेकिन क्वालिटी तो इसकी अच्छी है यार, लेकिन ये ज्यादा महंगा है ना। अरे तो 200 रुपए बचा के कौन सा महल बना लेगा तू? हाँ ये भी सही है, लेकिन सर आपको यहाँ से कुछ खरीदना है कि नहीं? कभी कभी आई सीरियसली विश मेरे पास मेरे ब्रेन का कोई तो स्विच ऑफ बटन होता। इवन रात को सोते टाइम भी इसको चुप करवाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। सब कोई मेरे बॉडी के सारे पार्ट्स सो चुके हैं एंड सडनली मेरे ब्रेन को मुझे ऐसी ऐसी बातें याद दिलानी है जो मुझे याद नहीं करनी। तू मुझे सोने क्यों नहीं देता यार? अब मुझे पता नहीं कि ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या लाइक सबसे ज्यादा मेरा दिमाग का दही तब होता है जब मैं किसी को टेक्स्ट कर रहा हूँ। हाय, नहीं, बहुत सारा आई हो गया, डेस्परेट लगूंगा। आई हटा के एक बढ़िया सा इमोजी डाल देता हूँ। कितना चेप लग रहा है यार इमोजी के साथ। 3 hours later, fuck my life, कुछ नहीं हो सकता तेरा। मैंने कुछ लोगों को देखा है, दिन भर में अगर मैसेजेस नहीं आते तो उन्हें टेंशन होने लगता है, और या मुझे किसी का मैसेज आ जाता है तो मैं एक नेवर एंडिंग लूप ऑफ थॉट्स में चला जाता हूँ कि यार इसको कोई तो काम होगा मेरे से, या मैंने कुछ कर तो नहीं दिया ना। वैसे भी घर बैठे बैठे पंगा लेने की पुरानी आदत है मुझे। अब इतना सब कुछ सोचने के बाद, लाखों कंक्लूशंस ड्रॉ करने के बाद, फाइनली जब मैं अपना फोन उठा के वो मैसेज चेक करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? ये मैसेज मेरे प्यारे दोस्त के लिए, आशा करता हूँ आपका दिन सुखमय हो। फॉरवर्ड दिस मैसेज टू 10 more people, इंक्लूडिंग मी। कौन सी दुनिया में रहता है भाई तू? प्लीज अपने बाथरूम के कोमोड में डूब के मर जा यार, प्लीज। अब ये आदत ना मेरे YouTube वीडियोस में भी झलकता होगा आई गेस। यू हैव नो आइडिया मैं एक वीडियो के स्क्रिप्ट को कितनी बार कैंसिल करता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर कैंसिल करता हूँ, और ऐसे करते करते कम से कम 4 से 5 स्क्रिप्ट्स हो जाते हैं, और उसमें से भी लास्ट मोमेंट में मुझे पैनिक करना ही है। यार ये कितना फालतू वीडियो बनाया है यार, कोई नहीं देखेगा, क्या है ये फनी लग रहा है तुझे है? वैसे भी तेरा चैनल अभी डाउन जा रहा है, ये वीडियो डालने के बाद लोग पक्का अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे, देख लियो। अब जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, यह सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली टीनेजर्स, उनके साथ अक्सर होता है ऐसा, जो कि अभी अपने क्रेजी प्यूबर्टल स्टेज से गुजर रहे हैं। अब एक तरफ से तो ये अच्छा है कि हम डिसीजंस लेने में काफी टाइम लगाते हैं, बट इस आदत के वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम्स भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर तुम रिलेशनशिप में हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड एक ओवरथिंकर है तो एक पॉइंट पे जाके उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यार ये कहां फंस गया यार मैं। एंड जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप में ही ऐसा होता है, इट कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड या इवन तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब मैं इस वीडियो को एक छोटे से कंक्लूशन के साथ एंड करूंगा, तुम लोग सुन लेना एक बार अगर इतना तक देखा है तो। सो विद टाइम मैं धीरे धीरे इस आदत को चेंज करने में लगा हुआ हूँ। आई सीरियसली फील कि हम जो छोटे छोटे सिचुएशंस में इतना स्ट्रेस लेते हैं, दैट्स नॉट वर्थ इट। जस्ट इमेजिन तुम अपने डेथ बेड पे सोए हो और तुम्हारा वक्त करीब आ चुका है, तो उस टाइम तुम ये नहीं सोचने वाले कि यार उस दिन मैंने ऐसा क्यों बोला था या ऐसा क्यों किया था, राइट? हम सभी इस दुनिया में एक लिमिटेड टाइम के लिए ही है एंड एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी मैटर नहीं करता, और ऐसी पिद्दी चीजों से कभी भी तुम्हारा लाइफ अफेक्ट नहीं होने वाला। एक बार मुझे कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हारे एक्सपीरियंसेस अगर तुम मेरे तरह एक ओवरथिंकर हो तो। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को आगे और ऐसे वीडियोस के लिए। बहुत जल्द मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।